मुस्लिम लीग नून PP56 के जनरल सेक्रेटरी चौधरी इफ्तिखार डोगर हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। इफ्तिखार साहब, आपके क्या जज्बात हैं आज यहाँ जलसे में शिरकत के लिए आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि जो आवाम का जोश और गरोश है, अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 दिन हो गए हैं इन लोगों को जद्दोजहद करते हुए, फिर भी इनका जज्बा वैसे का वैसा ही है। कुछ दोस्त तेरा शोनिया जी, शोनिया जी, शोनिया जी, ओके तेरा शोनिया जी, शोनिया जी, शोनिया जी, चौधरी इफ्तिखार डोगर। ये जलसों का क्या मकसद है? अदमे इत्मीनान तो असेंबली में है, तो ये जलसों का क्या मुकाबला शुरू हो गया? ये जलसों का इसलिए हुआ है कि ये अवाम की जज्बात है। वोट तो MN ने नहीं कास्ट करना है, ये अवाम का जज्बात है कि इस महंगाई और चोर सेलेक्ट वज़ीर-ए-आज़म से जान छुड़ाई जाए। ये अवाम की अपनी MNO के लिए जज्बा है, सपोर्ट है, वो उनको जद्दोजहद कह रहे हैं कि ये आप इसमें कामयाब जद्दोजहद करें पार्टी के लिए, नून लीग के लिए, मियां मोहम्मद शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मकामी साढ़े MNA, इंशाल्लाह ये अवाम का जज्बा देख के उनमें और जद्दोजहद करेंगे। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अपोजिशन के रहनुमा वो चूहे हैं, इस पे आपके क्या जज्बात है, कैसा लगता है आपको जब वो ये कहते हैं? ये तो बहुत बुरा लगता है, वजीर आजम है उसके क्या पैगाम देंगे वजीर आजम को? मैं तो कहता हूँ खलाक याद में रहना चाहिए, इस तरह किसी को भी, हमें भी, अवाम को भी, किसी को भी ऐसे जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अब अवाम जैसी अच्छी अच्छी बात करनी चाहिए, किसी का अच्छा नाम लेना चाहिए, बुरे लफ्जों से याद नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।